ओम शांति। आज का प्रातः क्लास है 12 अक्टूबर 1967। ओम शांति। टुडेज मॉर्निंग क्लास इज डेटेड 12 अक्टूबर 1967। बच्चों को बाप समझाते हैं, अपन को आत्मा समझ करके बैठो। The father explains to the children, sit considering yourself to be a soul. और फिर बाप को याद करो। And then remember the father. समझाने वाला कौन है? Who explains? देह का बाप देहधारी नहीं है। It isn't the father of the bodily being. देह में रहने वाली जो आत्मा है, उस आत्मा का बाप परमपिता परमात्मा है। The father of the soul that resides in the body is the supreme father, supreme soul. देह होती है साकार पांच तत्वों की। The body is a corporeal thing made of 5 elements. तो देह का बाप भी पांच तत्वों का पुतला, वो भी देहधारी होता है। So, the father of the body is also an effigy of 5 elements. He is also a bodily being. और देह में रहने वाली आत्मा पांच तत्वों की नहीं बनी हुई है। And the soul residing within the body is not made up of 5 elements. पांच तत्व तो अपना रूप बदलते रहते हैं। The 5 elements keep changing their form. आज है कल नहीं रहेगा देह का रूप। The form of the body is present today, it would not be present tomorrow. और आत्मा तो आज भी है, पहले भी थी और हमेशा भी रहेगी। But the soul is present today, it was also present earlier, it would be present always. तो वो आत्मा का बाप परमात्मा भी ऐसा ही है। So that father of soul, that is the supreme soul, is also like this. सदाकाल था, सदाकाल है और आगे भी रहेगा। He was eternal, is eternal and he will be eternal in future too. आत्मा ज्योति बिंदु। The soul is a point of light. उसका बाप भी ज्योति बिंदु। Its father is also a point of light. आत्मा के लिए कहते हैं भ्रकुटि के बीच में चमकता है अजब सितारा। It is said for the soul that a wonderful star shines in the middle of the forehead between the two eyebrows. तो सितारा चमकता हुआ तो नहीं दिखाई देता है। That star is not visible in a shining form. उनको देता है? है? Is it visible to anyone? हाँ, कोई बहुत कंसंट्रेशन करे तो सितारा चमकता हुआ दिखाई भी पड़ता है, या कोई को साक्षात्कार में भी होता है। Yes, if someone concentrates very much, then the shining star is visible, or it may be visible to someone in the visions. तो हम सब हैं बिंदु बिंदु आत्माएं। So all of us are point-like souls. और बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप है ज्योति बिंदु परमपिता परमात्मा। And the father of all the point-like souls is the point of light, supreme father, supreme soul. हमारी देह का नाम पड़ता है क्या? Our name falls on the body. What? हमारी देह का नाम पड़ता है। Our name falls on the body. और जो आत्माओं का बाप है उसको अपनी देह नहीं है। And the father of the souls does not have his body. वो विदेही है हमेशा। He is forever bodiless, videhi. इसलिए उसकी आत्मा का नाम है शिव। That is why the name of his soul is Shiv. हमारी आत्मा का नाम शिव नहीं है। The name of our soul is not Shiv. शिव माने कल्याणकारी। Shiv means कल्याणकारी, that is benefactor. हम आज कल्याण करते हैं और कल कोई का कल्याण कर देते। Today we cause benefit and tomorrow we cause harm to someone.
दूसरों का छोड़ो अपना ही अकल्याण कर लेते। लीव अदर्स बिकॉज हार्म टू आवरसेल्व्स। तो हम की हमारी सब की आत्मा शिव नहीं कही जा सकती। सो वी ऑल सोल्स कैनॉट बी कॉल्ड शिव। हाँ, उस ज्योति बिंदु आत्मा शिव के हम बच्चे हैं। यस वी आर द चिल्ड्रन ऑफ दैट पॉइंट ऑफ लाइट सोल शिव। नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार कल्याणकारी है। वी आर नंबर वाइज बेनिफैक्टर्स अकॉर्डिंग टू आर एफर्ट्स। बिंदु इन आंखों से दिखाई नहीं देता। द पॉइंट इज नॉट विजिबल टू दीज आईज। लेकिन इन आंखों में उस ज्योति बिंदु की रोशनी तो दिखाई देती है। बट द शाइन ऑफ दैट पॉइंट ऑफ लाइट इज विजिबल इन दीज आईज। आदमी शरीर छोड़ देता है। व्हेन अ मैन लीव्स हिज बॉडी तो आंखें बटन जैसी हो जाती हैं। द आईज बिकम लाइक बटन्स। आंखों में रोशनी रहती है नहीं रहती। डज एनी शाइन रिमेन इन द आईज। इट डज नॉट रिमेन। तो हम आत्माएं रोशनी स्वरूप तो हैं। सो वी सोल्स आर इंडीड फॉर्म्स ऑफ लाइट जिनकी रोशनी इन आंखों से निकल रही है। हूज लाइट इज रेडिएटिंग थ्रू दीज आईज। लेकिन वो इतनी सूक्ष्म है। बट इट इज सो सटल कि इन आंखों से वो देखने में आती नहीं है कि वो रोशनी कहाँ से और कैसे निकल गई। दैट इट इज नॉट विजिबल थ्रू दीज आईज दैट फ्रॉम वेयर एंड हाउ डिड दैट लाइट एग्जिट। मनुष्य शरीर छोड़ता है तो वैज्ञानिकों ने भी बहुत प्रयोग करके देखे। व्हेन अ ह्यूमन बीइंग लीव्स हिज बॉडी साइंटिस्ट हैव परफॉर्म मेनी एक्सपेरिमेंट्स कि आत्मा कैसे निकल जाती है। एंड सीन हाउ द सोल एग्जिट्स। मरते हुए आदमी को शीशे के कमरे में बंद कर दिया। दे कन्फाइंड अ डाइंग पर्सन इन अ ग्लास रूम। शीशा का तो बनाया उसमें बंद कर दिया। They made it of glass and confined him inside. आत्मा निकल गई और शीशा फट गया। The soul escaped and the glass cracked. इतनी छोटी सी आत्मा में इतनी ताकत। Such power in such a small soul. हाँ, जो चीज जितनी सूक्ष्म होती है उतनी उसमें ताकत भी ज्यादा होती है। Yes, the more subtle a thing, the more powerful it is. Atom कितना छोटा होता है। एटम इज सो स्मॉल। यंत्रों से एटम को देखा जाता है। एटम इज ऑब्जर्व थ्रू मशीन्स। जैसे एटम बम बनते हैं। एटम बॉम्ब्स आर प्रिपेयर्ड विद इट। कितनी ताकत होती है। देयर इज सो मच पावर इन इट। वो तो फिर भी यंत्रों से देखा जाता है। इवन देन दैट इज ऑब्जर्व थ्रू द मशीन्स। लेकिन आत्मा को तो यंत्रों से भी देख नहीं सकते। बट द सोल कैन नॉट बी सीन इवन थ्रू मशीन्स। इतनी सूक्ष्म आत्मा और वो भी नंबर वार है। सो सटल अ सोल एंड दैट टू इज नंबर वाइज। क्या एक आत्मा की पावर न मिले दूसरी आत्मा से। व्हाट द पावर ऑफ वन सोल डज नॉट मैच विद द पावर ऑफ अनदर सोल। जैसे छोटी बड़ी बैटरीज होती है ना, गाड़ियों में बैटरी होती है छोटी छोटी। Just as there are small and big batteries, aren't there? There are small batteries in watches. कोई में कम पावर, कोई में ज्यादा पावर। Some have less power and some have more power. तो ऐसे ही ये ज्योति बिंदु आत्माएं इनमें नंबरवार पावर भरी रहने की अपनी अपनी शक्ति है। So, similarly, there is individual capacity to retain number-wise power in the point of light souls. सबसे ज्यादा powerful आत्मा है supreme soul शिव की। The most powerful soul is the supreme soul Shiv. परंतु वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आती है। But he does not come in the cycle of birth and death. इसलिए गर्भ से जन्म नहीं लेती। That is why he does not take birth through a womb. अगर वो भी गर्भ से जन्म लेने लगे, if he too starts taking birth through the womb, तो हम जो जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माएं हैं, उनको छुड़ाने वाला कोई भी नहीं। Then there is nobody to liberate us souls who enter the cycle of birth and death. वो सुप्रीम सोल शिव है, इसलिए विदेही कहा जाता है। That is the reason why the Supreme Soul Shiv is called Videhi,
bodiless. माने देह के विपरीत है. It means that he is opposite to the body. हम आत्माएं देह के विपरीत नहीं है. We souls are not opposite to the bodies. हम तो देह के अनुकूल भी हो जाते हैं और हैं भी. We become favorable to the body and we are indeed so. अभी हमको कोई कहे कि हम विदेही हैं कि देही हैं. If anyone asks us that are we bodiless, that is videhi, or embodied, that is dehi. अभी तो हम देहि हैं, हमारी बुद्धि देह में धरी रहती है. Now we are dehi, that is embodied. Our intellect remains engrossed in the body. देहधारी हैं, घड़ी घड़ी देह में बुद्धि जाती है. We are bodily beings. Our intellect gets attracted to the body every moment. अपनी देह में बुद्धि जाती है, दूसरों की देह में बुद्धि जाती है, देह के पदार्थों में बुद्धि जाती है. The intellect gets attracted to its body and the intellect gets attracted to others' body. The intellect gets attracted to the things related to the body. लेकिन वो सुप्रीम सोल बाप इस सृष्टि पर आता भी है. But that supreme soul father does come in this world. जैसे हम आत्मा इस सृष्टि पर आकर के 84 के चक्र में अपना पार्ट बजाती हैं. Just as we souls come to this world and play a part in the cycle of 84 births. वो भी आता है, देहधारियों में प्रवेश भी करता है. He too comes. He even enters into the bodily beings. बल खास करके मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है. Although he especially enters in the appointed chariot. उसके बावजूद भी उसको देह का आकर्षण नहीं होता. Despite that, he does not get attracted by the body. देह के प्रति अटैचमेंट लगाव नहीं. He does not develop attachment towards the body. और हमको देह के प्रति लगाव हो जाता है. And what about us? We develop attachment for the body. वो भी लगाव नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार प्रैक्टिस करने से टूट सकता है. Even that attachment can break number wise through the practice according to one's efforts. सबका एक जैसा नहीं टूटता है. Everyone does not become detached in the same way. इतनी बड़ी विश्व में मनुष्य आत्मा की कैटेगरी की आत्माएं कितनी 500-700 crore. In such a big world, how many souls are there in the category of human souls? 5 to 7 billion. जैसे बीज होते हैं ना. Just as there are seeds, isn't it? तो जैसा बीज होगा वैसा ही वृक्ष या पौधा पैदा होगा. So as is the seed, so will be the tree or plant that grows out of it. ऐसे थोड़े ही कि बीज होगा गेहूं का और पौधा पैदा हो जाएगा मटर का, चने का, नहीं. It will not be so that if it is a seed of wheat, the plant that grows is of pea, gram. No. तो हमारी आत्मा भी मनुष्य आत्मा है. So, our soul is also a human soul. मनुष्य आत्मा जब भी जन्म लेगी तो मनुष्य का ही जन्म लेगी. Whenever the human soul takes birth, it would take the birth of only a human being. अब शास्त्रों में लिख रखा है. Now, it has been written in the scriptures कि मनुष्य आत्मा तो 84 लाख योनियों में जाती है. That the human soul passes through the 84 lakh species. 84 लाख योनियों में अगर आत्मा जाती है. If the soul passes through the 84 lakh species. और बहुत सी आत्माएं बच्चे के रूप में जन्म लेती हैं. And when many souls take birth as children. तो अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत भी बताती हुई देखी गई है. They have been observed to describe the story of their past births. लेकिन कोई बच्चे ने ये बताया कि हम पूर्व जन्म में कीड़े मकोड़े पशु पक्षी थे. But has any child said that he was an insect or a worm or animal or a bird in the previous birth? कोई नहीं बताया. इससे क्या साबित हुआ? Nobody described. What does it prove? कि कोई भी मनुष्य आत्मा दूसरी योनियों में जाती ही नहीं और जाने का कोई कारण भी तो चाहिए. That no human soul ever takes birth in other species. And a valid reason is also required to go and take birth as another species. कारण तो वो ये बता देते हैं.
दे टेल द रीजन दैट कि कोई पाप कर्म करता है, इफ समवन कमिट सिंस, तो उस पाप कर्म की भोगना भोगने के लिए 84 लाख योनियों में जाना पड़ता है. ही हैज टू पास थ्रू द साइकिल ऑफ 84 लाख स्पीशीज टू सफर पनिशमेंट्स फॉर दैट सिन. तो 84 लाख योनियों में जाता है, 84 लाख योनियों में जाता है. Does he pass through the cycle of 84 lakh species? कारण क्या है, क्यों जाएगा? What is the reason? Why would he pass through? क्या मनुष्यों में रह करके पाप कर्म नहीं भोगे जा सकते? Can one not experience the punishments for the sinful actions while being in the human species? मनुष्यों में तो और ही ज्यादा इंद्रियां हैं. There are even more organs in the human species. और जो पशु पक्षी कीड़े मकोड़े हैं, and the animals, birds, worms and insects, उनमें इतनी इंद्रियां नहीं होती हैं. Do not have so many organs. सांप है, सांप को कान देखे. A snake for example, have you seen the ears of a snake? दिखाई नहीं पड़ते, हाथ हैं. They are not visible. Does it have arms? पांव हैं, दिखाई नहीं पड़ते. Does it have limbs? They are not visible. तो उनमें इंद्रियां कम हैं. So they have fewer organs. तो उनके सुख दुख भी कम हो जाते हैं. Hence their happiness and sorrows also become less. और मनुष्य के इंद्रियां हैं पूरी. And human beings have all the organs. इसलिए उनके सुख दुख भी जास्ती हो जाते. That is why they experience more happiness and sorrows. इंद्रियों से सुख भी भोगा जाता है और इंद्रियों से दुख भी भोगा जाता है. Happiness is experienced through organs and sorrows are also experienced through the organs. कोई आत्मा कितनी दुखी हो जाती है. Some souls become so sorrowful. उनमें मूल कारण क्या है? What is the main reason? जानवरों को, बैल को, भैंस को, गाय को डंडा मार दो. Beat the animals like bull, buffalo or cow with a stick. जिस समय डंडा लगेगा उसी समय फील होगा. It would feel the pain just when it is beaten with a stick. बाद में जिंदगी भर उसे याद नहीं रहेगा. Later on, it would not remember throughout life. और मनुष्य? मनुष्य को डंडा तो छोड़ो. And what about the human beings? Leave the matter about sticks. कोई कड़ी बात कह दो तो जिंदगी भर याद रखेगा. If a human being is just told a harsh word, he would remember it throughout life. इससे साबित हुआ कि 11वीं इंद्रिय जो मन है, it proves that the 11th organ, that is the mind, जो अति सूक्ष्म है, which is very subtle, आत्मा की ही शक्ति है. It is a power of the soul itself. ओ मन, जितना आत्मा का सशक्त होगा, the more powerful the mind of a soul, उतना ही वो सुख दुख जास्ती भोगता है. The more it experiences happiness and sorrows. अब वो मन परमात्मा में होता है कि नहीं, परम पिता में? Well, is that mind present in the supreme soul, that is in the supreme father or not? जिसको मन होगा वो मनन करेगा, चिंतन करेगा. The one who possesses a mind would think and churn. जिसको मन नहीं होगा वो मनन चिंतन मंथन नहीं करेगा. The one who does not have mind would not think and churn. और ठीक भी है, जिसका जन्म मरण होता है वो मनन चिंतन मंथन भी करे. And that is true too. The one who takes birth and dies would think and churn as well. जिसका जन्म मरण होता ही नहीं उसको मनन चिंतन मंथन करने की दरकार ही नहीं. The one who does not take birth and die at all does not require thinking and churning at all. वो तो असोचता है. He is asochta, the one who does not think. क्या? अभोक्ता है, न सुख भोगता है न दुख भोगता है. What? He is abhokta. He neither experiences pleasures nor pain. तो वो सुप्रीम सोल शिव है, जिसकी आत्मा का नाम ही शिव है. So that supreme soul Shiv, the name of whose soul is Shiv. बिंदु का नाम शिव है. The name of a point is Shiv.
उस ज्योति बिंदु का बड़ा आकार मनुष्यों ने बनाया ऋषियों मुनियों ने पूजा करने की सुविधा के लिए. The human beings, the sages and saints made the large shape of that point of light for the sake of convenience of worship. कि बिंदी का तो पता ही नहीं चलेगा, जल चढ़ाएंगे तो पता नहीं कहाँ लुढ़क जाए. That one would not be able to know the point at all. If they pour water, then it is not sure where it would slip. तो बिंदु का बड़ा आकार बनाया शिवलिंग. So they made a bigger form of that point, a shivling. और शिवलिंग को मंदिरों में रख दिया पूजा करने के लिए. And the shivling was placed in the temples for worship. बड़े आकार की पूजा की जा सकती है और छोटे आकार की तो पूजा हो ही नहीं सकती. Big form can be worshipped and the small form cannot be worshipped at all. तो दो रूप हुए. So there are two forms. एक तो बनाया हुआ बड़ा आकार. One is a big form that is made. जिसे लिंग कहा जाता है. Which is called लिंग. और वो लिंग में भी बिंदु रखते हैं. And a point is also placed in the लिंग. जैसे सोमनाथ मंदिर था, बहुत पुराना मंदिर हिस्ट्री का हुआ है. For example, there was a temple of Somnath. It is a very old temple in the history. उस मंदिर में लाल रंग का पत्थर था. In that temple, there was a red stone. और उसमें हीरा जड़ा हुआ था. And a diamond was studded in it. काहे की यादगार? What does it remind of? Supreme Soul ज्योति बिंदु की यादगार हीरा. The diamond is the reminder of the point of light, Supreme Soul. और उसका बड़ा आकार जो दिखाया गया है. And its bigger form that has been depicted. वो जिस साकार में प्रवेश करता है. Is the corporeal in which he enters. जिसमें ज्ञान का भंडार भर जाता है. The one who gets filled with the treasure of knowledge. ज्ञान की ज्योति भर जाती है. Filled with the light of knowledge. वो व्यक्त किया गया है. That has been depicted in it. माना वो सुप्रीम सोल शिव दो रूप से है. It means that he is the supreme soul Shiv in two forms. एक तो बिंदु आत्मा के रूप में. One is in the form of the point like soul. लेकिन वो बिना शरीर के कुछ भी कर नहीं सकता. But he cannot do anything without the body. और दूसरा उसका प्रैक्टिकल रूप है. And the second is its practical form. जिस तन में मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है एक व्यापी होकर. The body in which he enters in a permanent form by entering into one. उसके द्वारा सारे संसार को चेंज करता है, परिवर्तित करता है. He changes, transforms the entire world through him. दुख की दुनिया को सुख की दुनिया बनाता है. He transforms the world of sorrows into a world of happiness. तो वो ज्योति बिंदु शिवलिंग के रूप में सोमनाथ मंदिर में दिखाया गया था. So that point of light was shown in the Somnath temple in the form of Shivling. बड़ा आकार है साकार की यादगार. The big form is the memorial of the corporeal. जिसमें वो शिव प्रवेश करता है. In which that Shiv enters. और उसका अति सूक्ष्म जो रूप है वो स्टार के रूप में दिखाया गया. And his very subtle form has been shown in the form of a star. हाथ पांव नाक आंख कान उसमें नहीं दिखाए गए. Arms, legs, nose, eyes, ears have not been shown in it. क्यों नहीं दिखाए गए? Why have they not been shown? इसलिए दिखाए नहीं गए कि जिस साकारी मनुष्य तन में मुकर्र रूप से प्रवेश करता है. They have not been shown because the corporeal human being in whom he enters in a permanent form. वो साकारी तनधारी जब याद करते करते सुप्रीम सोल शिव को अति संपन्न स्टेज में पहुंचता है. When that corporeal bodily being reaches the most perfect stage while remembering the supreme soul Shiv. तो उसको अपनी इंद्रियों का भान नहीं रहता. He does not remain conscious of his organs. कान जैसे हैं, ऐसे नहीं कान उड़ जाते हैं, कट जाते हैं, नहीं. For example,
The ears are there. It is not that the ears vanish or that the ears get chopped off. कान है लेकिन कानों से सुनते हुए भी न सुनना. Ears are present, but not hearing in spite of listening through the ears. हम नंबर वार आत्माओं की क्या हालत है? What is the condition of number wise souls like us? कोई छोटी सी बात कह देता है, दुर्वचन बोल देता है, ग्लानिंग कर देता है. If anyone says something, if anyone utters bad words, गाली दे देता है, तो हम तो कान के अंदर धारण कर लेते हैं. If anyone defames, if anyone abuses, we retain it in our ears. वो बात हमसे भूली? भूली नहीं जाती. We are unable to forget that matter. इसका मतलब क्या हुआ? कि हमारे कानों में हमारी आत्मा रखी हुई है. It means that our soul is in our ears. देहधारी का मतलब क्या हुआ? What is the meaning of देहधारी? That is a bodily being. देह को धारण करने वाली कौन? आत्मा. Who assumes the body? The soul. लेकिन वो आत्मा देहधारी कब कही जाती है? But when is that soul called a देहधारी? जब देह में उसका अटैचमेंट रखा हुआ है. When it gets attached to the body. नहीं तो ये भी तो कर सकता है आदमी कि कोई बात आलतू फालतू बोलता है. Otherwise, a person can also do like this, that if anyone speaks wasteful matters. झूठी बात बोलता है, प्रिय लगने वाली बात नहीं बोलता है. If anyone speaks lies, if anyone speaks things which do not appear to be sweet. अशुद्ध बातें बोलता है, तो हम एक कान से सुने, दूसरे कान से निकाल दें. If anyone speaks impure matters, then we should listen through one ear and leave it through the other. सुप्रीम सोल में ये शिफ्ट है कि उसको तो अपनी देह है ही नहीं, इंद्रियां ही नहीं है. The supreme soul has the speciality that he does not have his body at all. There are no organs at all. तो ठीक है, इंद्रियां नहीं है तो उसको अटैचमेंट का सवाल भी नहीं है. So it is all right. There are no organs. Then there is no question of attachment also. लेकिन जब प्रवेश करता है तो प्रवेश करके अपने आत्मा रूपी बच्चों की बातें सुनता तो है. But when he enters, he listens to the versions of the soul like children. आत्मा रूपी बच्चों का मुखड़ा देखता तो है. He observes the faces of the soul like children. अपने आत्मा रूपी जो भी बच्चे हैं उनकी एक्ट को जानता तो है. He does know the act of all the soul like children. परखता तो है. And he does judge them. अगर ऐसा न हुआ होता, Had it not been so, तो शिव का जो साकार विग्रह रूप दिखाया गया है, शंकर, Then the corporeal idol-like form of Shiv, which has been shown, that is Shankar, और शंकर की आत्मा अलग है. That soul of Shankar is different. शिव की आत्मा अलग है. अंतर क्या है दोनों में? The soul of Shiv is different. What is the difference between both of them? शिव की आत्मा का ही नाम शिव है. The name of only Shiv's soul is Shiv. और शंकर का शरीर का नाम, विग्रह का नाम शंकर है. And the name of Shankar's body, idol, is Shankar. शंकर नाम किस लिए है? Why is the name Shankar? क्योंकि शास्त्रों में जितने भी नाम हैं, वो काम के आधार पर नाम है. It is because all the names mentioned in the scriptures are based on the acts that have been performed. जैसा जैसा जिसने काम किया, वैसा वैसा उनका नाम पड़ा. As the task performed by someone, so is the name that they got. तो ये शंकर नाम कैसे पड़ा? So how was this name Shankar assigned? उसमें निराकार भी काम करता है, जो सदैव निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी है. The incorporeal one, who is forever incorporeal, egoless and without vice, performs the task through him. वो कभी भी देह की विकृति में या देह की इंद्रियों की विकृति में आता ही नहीं है. He never gets affected by the deformity or defect that is vikriti of the body or the vikriti of the organs of the body at all. देह की इंद्रियों की विकृति में कभी ना आने के कारण उसको निराकारी, निर्विकारी कहा जाता है. Because of not getting influenced by the vikriti of the organs of the body, he is called
द इनकॉर्पोरियल विदाउट वाइस. देह का अहंकार ही नहीं होता. ही डज नॉट हैव द ईगो ऑफ द बॉडी एट ऑल. इसलिए निरहंकारी है. दैट इज वाई ही इज ईगोलेस. लेकिन शंकर की आत्मा. बट वॉट अबाउट द सोल ऑफ शंकर. शंकर माना मिक्स. शंकर मीन्स मिक्स. कहते ना वर्ण शंकर. इट इज सेड वर्ण शंकर इजंट इट. स्त्री ब्राह्मण जाति की हो और पुरुष क्रिश्चियन हो. इफ अ वुमन इज फ्रॉम द ब्राह्मण कास्ट एंड इफ द मैन इज अ क्रिश्चियन. और जो पैदाइश होगी बच्चे की दोनों से उसको वर्ण शंकर कहेंगे. एंड द चाइल्ड हु इज बोर्न थ्रू बोथ ऑफ देम वुड बी कॉल्ड वर्ण शंकर. माने मिक्स पैदाइश हो गई. इट मीन्स इट इज अ मिक्स्ड क्रिएशन. तो ऐसे ही शंकर का जो रूप है उसमें दोनों ही बातें हैं. सो सिमिलरली द फॉर्म ऑफ शंकर इंक्लूड्स बोथ एस्पेक्ट्स. क्या समान रूप से दोनों ही बातें हो जाती हैं? व्हाट बोथ द एस्पेक्ट्स आर इक्वली प्रेजेंट. वो निराकारी भी 100% बन सकता है. ही कैन बिकम 100% इनकॉर्पोरियल. और 100% साकारी भी बन सकता है. एज वेल एज 100% कॉर्पोरियल. वो निराकार उसमें प्रवेश करता है तो प्रैक्टिस करते करते दैट इनकॉर्पोरियल एंटर्स इनटू हिम. सो थ्रू प्रैक्टिस राजयोग का अभ्यास करते करते क्योंकि शंकर को भी तो याद में बैठा हुआ दिखाते हैं. थ्रू द प्रैक्टिस ऑफ राजयोगा बिकॉज शंकर इज ऑल्सो शोन टू बी सिटिंग इन रिमेम्बरेंस. जितनी भी देहधारी विग्रह हैं मूर्तियां हैं ऑल द आइडल्स स्टैचूज ऑफ बॉडीली बींग देवताओं की. तो देवता बने कैसे? ऑफ डीटीज विच एग्जिस्ट हाउ डिड दे बिकम डीटीज. नर से नारायण बने कैसे? हाउ डिड दे गेट ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम अ मैन टू नारायण. गीता में तो ज्ञान दिया है नर को नारायण बनाने का. गीता कंटेन्स द नॉलेज ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग अ मैन इनटू नारायण. नारी को लक्ष्मी बनाने का. लेकिन वो कैसे बने? टू ट्रांसफॉर्म अ वुमन इनटू लक्ष्मी. बट हाउ डिड दे बिकम. मनुष्य से देवता बनने का तरीका क्या? What is the method of getting transformed from a human being to a deity? वो राजयोग जो सुप्रीम सोल शिव इस सृष्टि पर आकर के सिखाते हैं. That rajyoga which the supreme soul Shiv comes and teaches in this world. उस राजयोग से उन्होंने अपने आत्मा को तामसी से क्या बना लिया? सतो प्रधान बना लिया. Through that rajyoga they transformed themselves from degraded ones to what? They made themselves pure. विकारी आत्मा को जिसमें काम क्रोध लोभ मोह अहंकार भर चुके थे उसको निर्विकारी आत्मा अर्थात देवता बना लिया. They transformed the vicious soul which was full of sex lust, anger, greed, attachment, ego into a soul without vices, that is a deity. बनाने वाला कौन? Who is the maker? Supreme soul Shiv. The supreme soul Shiv. किसके द्वारा बनाता है? शंकर के द्वारा. थ्रू हुम डज ही मेक? थ्रू शंकर. तो शंकर जो शरीरधारी है वो सदैव निराकारी नहीं है. सो शंकर द बॉडीली बीइंग इज नॉट इनकॉर्पोरियल फॉरएवर. हाँ जब राजयोग का अभ्यास करता है. यस व्हेन ही प्रैक्टिसेस राजयोगा. क्योंकि उसमें मुकर्रर रूप से परमात्मा शिव प्रवेश करते हैं. बिकॉज द सुप्रीम सोल शिव एंटर्स इनटू हिम इन अ परमानेंट फॉर्म. इसलिए जो संग का रंग लगता है उस संग के रंग से वो आत्मा सबसे पहले शिव समान बन जाती है. सो थ्रू द कलर ऑफ कंपनी दैट गेट्स अप्लाइड दैट सोल बिकम्स इक्वल टू शिव फर्स्ट ऑफ ऑल. बाप शिव है आत्माओं का बाप है. फादर शिव इज द फादर ऑफ सोल्स. तो जो आत्माओं का बाप है तो आत्माओं को आप समान तो आकर बनाता है ना. सो द वन हु इज द फादर ऑफ सोल्स कम्स एंड मेक्स द सोल्स इक्वल टू हिमसेल्फ डजंट ही. अब ये पुरुषार्थ की बात है. कोई पहले आप समान बनेगा और कोई बाद में बनेगा. वेल इट इज अ मैटर ऑफ मेकिंग एफर्ट्स. समवन वुड बिकम इक्वल टू द फादर अर्लियर एंड समवन वुड बिकम लेटर. कोई अपनी स्वेच्छा से पुरुषार्थ करके बाप समान बनेगा. समवन विल मेक एफर्ट्स वॉलंटरिली and become equal to the father. और कोई पुरुषार्थ में करने में आनाकानी करेगा. And someone will hesitate to make efforts. उतना प्यार से पुरुषार्थ नहीं. कोई बच्चे प्यार से पढ़ाई पढ़ते हैं. They will not make efforts that much affectionately. Some children study lovingly. और कोई बच्चे धक्का मुक्की दे करके भी पढ़ाई नहीं पढ़ते हैं.
एंड सम चिल्ड्रन डू नॉट स्टडी इन स्पाइट ऑफ बीइंग पुश्ड टू डू सो. लेकिन वो सुप्रीम सोल शिव तो सर्वशक्तिवान है. बट दैट सुप्रीम सोल शिव इज ऑलमाइटी. वो इस सृष्टि पर आता ही इसलिए है कि जो भी देहधारियों की देह अहंकारियों की दुनिया है उस देह अहंकारियों की दुनिया को समाप्त करके ही कम्स इन दिस वर्ल्ड ओनली टू एंड द वर्ल्ड ऑफ बॉडीली बींग्स द वर्ल्ड ऑफ बॉडी कॉन्शियस पीपल द वर्ल्ड ऑफ पीपल विद बॉडीली ईगो निरहंकारी देवताओं की दुनिया बना के जाना एंड टू क्रिएट द वर्ल्ड ऑफ ईगोलेस डेटीज एंड देन डिपार्ट. वो निरहंकारी देवताओं की दुनिया बनाने के लिए वो अभ्यास सिखाता है. ही टीचेस द प्रैक्टिस टू क्रिएट दैट वर्ल्ड ऑफ ईगोलेस डेटीज. जो अभी बताया, क्या बताया? बच्चों को बाप कहते हैं. विच वॉज मेंशन्ड जस्ट नाउ. व्हाट वॉज मेंशन्ड? द फादर टेल्स द चिल्ड्रन. कौन से बच्चों को कौन से बाप कहते हैं? विच फादर टेल्स विच चिल्ड्रन? रूहानी, जो रूह की स्टेज में टिकने का प्रयत्नशील है, बच्चे हैं. द स्पिरिचुअल चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन हु मेक एफर्ट्स टू बिकम कांस्टेंट इन द स्पिरिचुअल स्टेज. अपने को रूह समझते हैं, दूसरों को रूह के रूप में देखते हैं. दे कंसिडर देमसेल्व्स टू बी सोल्स एंड ऑब्जर्व अदर्स इन द फॉर्म ऑफ सोल्स. ऋषियों महर्षियों ने भी ये बात को जाना था. The sages and the great sages also knew this matter. जब शास्त्र लिखे थे. When they wrote scriptures. लेकिन उस समय सतोप्रधान युग था. But at that time, the age was pure, सतोप्रधान. उस समय उन्होंने ये नियम बनाया. At that time, they had framed a rule. कि आत्मा भ्रकुटी में बैठती है, आत्मा स्टार है, इसलिए यहाँ बिंदी लगानी चाहिए. That the soul sits in the middle of the forehead. A soul is a star. That is why the bindi should be applied here. यहाँ आत्मा भ्रकुटी में टिकी हुई है, इसलिए टीका लगाना चाहिए. The soul is situated over here in the middle of the forehead, and hence a tika should be applied here. तो उस समय सात्विक स्टेज थी. At that time the stage was pure. जिन्होंने सिखाया वो भी इस स्टेज में टिकते थे. Those who taught, they themselves used to be constant in this stage. और जिन्होंने सीखा वो भी स्टेज में टिके. And those who learnt also became constant in that stage. लेकिन बाद में क्या हुआ? But what happened later on? बाद में धीरे धीरे षष्टि सतोप्रधान से तमोप्रधान बनती है या ऊंची उठती है. Later on, does the world gradually get transformed from सतोप्रधान to तमोप्रधान or does it rise? नीचे ही गिरना है. It has to experience downfall. देहधारियों के संग में आते आते अवस्था सबकी नीचे गिरेगी ही गिरेगी. वेल बीइंग इन द कंपनी ऑफ बॉडीली बींग्स एवरीवन स्टेज वुड सर्टेनली फॉल. एक है ऊपर उठाने वाला और बाकी सारी दुनिया है नीचे गिराने वाली. वन अपलिफ्ट्स एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कॉसेस डाउनफॉल. वो ऋषि मुनि सन्यासी जिन्होंने ये बात इजाद की. दोज सेजेस सेंट्स एंड सन्यासीज हु इन्वेंटेड दिस कॉन्सेप्ट. ये बात निकाली कि हम आत्मा ज्योति बिंदु है, स्टार है. Who brought forward this matter that we are points of light souls, stars. गीता में जैसे लिखा हुआ अणु अणियांस मनुस्मरेति है. For example, it is written in Gita. अणु अणियांस मनुस्मरेति है. अणु से भी अनुरूप यह आत्मा है. This soul is subtler than an atom. जैसे अणु होता है ना एटम, उससे भी ज्यादा अति सूक्ष्म है. Just as there is an atom, it is even subtler than it. इन आँखों से नहीं दिखाई देती लेकिन फिर भी है. इट इज नॉट विजिबल थ्रू दीज आईज बट स्टिल इट एग्जिस्ट. मलेरिया बुखार आता है. When one suffers from malarial fever, तो डॉक्टर एक बूंद का टीपा निकालता है. डॉक्टर एक्सट्रैक्ट्स अ ड्रॉप ऑफ ब्लड. उसको शीशे पे फैलाता है. ही स्प्रेड्स इट ऑन द ग्लास. हम लोगों को कुछ दिखाई पड़ता है? कोई कीड़ा दिखाई पड़ता है? नहीं. इज एनीथिंग विजिबल टू अस? इज एनी जर्म विजिबल टू अस? नो. फिर वो टेलीस्कोप से देखता है मशीन से, तो उसमें कीड़े दिखाई पड़ते हैं. Then he observes through a microscope, through machine. Then the germs become visible in it. वो पहचान जाता है कि हाँ ये कीड़े हम मलेरिया के कीड़े हैं. He recognizes that, yes, these are the germs of malaria. तो ऐसे ये बात नहीं है कि हमारी आंखें जिस चीज को देखेंगी उसको ही हम मानेंगे. So it is not that we would accept only whatever is visible to us. और आंखें जिसको नहीं देखेंगी उसको हम नहीं मानेंगे. एंड वी वुड नॉट एक्सेप्ट व्हाटएवर इज नॉट विजिबल टू अस. आंखें भी तो यंत्र हैं.
आईज आर ऑल्सो मशीन्स. कोई की आंख बहुत तीखी होती है और कोई की आंख सामने बैठे हुए का चेहरा भी नहीं पहचान पाता. सम पीपल हैव अ शार्प आई एंड द आईज ऑफ सम आर नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज इवन द फेस ऑफ दोज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द आईज. तो ऐसे ही वो यंत्र भी है. सो सिमिलर आर दोज मशीन्स जिससे मलेरिया का कीटाणु देखा जाता है. थ्रू विच द जर्म्स ऑफ मलेरिया आर ऑब्जर्व. वो यंत्र भी एक से एक पावरफुल भी होता है. इवन अमंग दोज मशीन्स वन इज बेटर देन द अदर. बहुत बहुत पावरफुल होते हैं. दे आर वेरी वेरी पावरफुल. यहाँ से बैठे बैठे वो बृहस्पति ग्रह में क्या क्या है, कहाँ कहाँ पहाड़ हैं, कहाँ कहाँ गड्ढे हैं, वो भी देखते हैं. While sitting here, they even observe whatever is present on planet Jupiter, the location of the mountains, the location of the pits. तो इससे साबित होता है कि मनुष्य जितना पावरफुल होगा उतनी वो पावरफुल रचना तैयार करेगा. So it proves that the more powerful a human being is, the more powerful would be his creation. परमपिता परमात्मा तो सबसे जास्ती पावरफुल है. The Supreme Father, Supreme Soul is the most powerful. वो बताता है कि ये तो विनाशी चीजें हैं और विनाशी यंत्र हैं. He tells that these are destructible things and destructible machines. लेकिन आत्मा तो अविनाशी है. But the soul is imperishable. इसमें इतनी पावर भरी हुई है. It contains so much power. इतनी पावर भरी हुई है कि आत्मा अगर आमादा हो जाए और पूरा पुरुषार्थ करे तो कुछ भी कर सकती है. So much power that if the soul becomes resolute and makes complete efforts, it can do anything. सारी दुनिया का विनाश भी कर सकती है और सारी दुनिया में नई सृष्टि की स्थापना भी कर सकती है. It can destroy the whole world and it can even establish the new creation in the entire world. इतनी पावर आत्मा में भरी हुई है. The soul contains so much power. लेकिन आत्मा अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड हो जाए तब. But it is when the soul becomes concentrated on itself. देह को बिल्कुल भूल जाए. It should forget the body completely. तो ऐसा पुरुषार्थ करने वाला जो श्रेष्ठ है, पुरुषार्थ ही निकलता है. So the elevated effort maker who makes such efforts, उसका नाम दिया गया है शास्त्रों में शंकर. Has been named in the scriptures as Shankar. वो एक ही ऐसा देवता है जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है. He alone is such a deity whose name is added with Shiv. न ब्रह्मा का, न विष्णु का, न जगदम्बा का, कोई भी देवता का नाम. Neither Brahma's name, nor Vishnu's name, nor Jagadamba's. Names of none of the deities. 33 crore देवता हैं और उनमें से किसी का नाम शिव के साथ नहीं जोड़ा जाता. There are 33 crore deities and none of their names is added to Shiv. जैसे अपनी भारतीय परंपरा है, जो बड़ा बच्चा होता है तो बच्चे जो बड़ा बच्चा होता है वो राजाई का हकदार बन जाता है. Like in our Indian tradition, the eldest child becomes entitled to kingship. तो ऐसे ही शरीर रूपी ये दुम्ब धारण करके जो आत्मा इस रंगमंच पर पार्ट बजाती हैं. So similarly, the souls which play a part on this world-like stage by assuming this body-like tail, उन पार्ट बजाने वाली आत्माओं में सबसे पावरफुल पार्ट बजाने वाली आत्मा. Among those actor souls, the soul playing the most powerful part, और सबसे कमजोर पार्ट बजाने वाली आत्मा एक है. And the soul which plays the weakest part is one. जो 100% पतिति भी बनती है और 100% पावन भी बनती है. Which becomes 100% sinful as well as 100% pure. उसका नाम शंकर रख दिया गया. He has been named Shankar. मिक्स पार्ट है उसके अंदर. His part is a mixed part. शिव की सोल का भी पार्ट है जो 100% निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी है. His part includes the part of Shiv's soul, which is 100% incorporeal, without vices, egoless. और फिर 100% देह अभिमानी का भी उसमें पार्ट है. And it also includes the part of the 100% body conscious one. शंकर का काम क्या है? What is the task of Shankar?
क्या खास काम दिखाते हैं शंकर को तीन मूर्तियों में? नहीं। Among the three personalities, which particular task is shown for Shankar? Someone said, in the remembrance. No. याद करना तो कोई काम ही नहीं होता है, काम तो कर्म इंद्रियों से किया जाता है। Remembrance is not a task at all. Task is performed through the bodily organs. संहार करना, विनाश करना। To cause destruction, to destroy. तो कहते हैं तीसरा नेत्र खोला और दुनिया का विनाश करा दिया। So it is said that he opened the third eye and caused the destruction of the world. तो इतनी बड़ी दुनिया, उस दुनिया का संहार का काम शंकर का बताया। So such a big world, the task of destruction of that world has been mentioned to be that of Shankar's. है? शंकर का काम बताया गया। Has been mentioned to be that of Shankar's. फिर ये बताया कि पवित्रता से होती है स्थापना। Then it has been said that purity causes establishment. नई दुनिया बनती है, प्योरिटी वाली दुनिया। The new world, the world of purity is created. और अपवित्रता से होता है विनाश। And impurity causes destruction. माने वो आत्मा में ये संस्कार भरे हुए हैं। It means that the संस्कार is contained in that soul. कि सारे संसार का विष पी जाए, इतना विषैला है। That even if he drinks the poison of the entire world, he is so poisonous. तो भी उसका विनाश नहीं हो सकता। Even then he cannot get destroyed. क्यों? क्यों नहीं हो सकता? Why? Why can't it be possible? पिया नहीं पिया से बराबर। हाँ, जैसे और इंद्रियों के लिए है। Someone said, whether someone does it or not, it is one and the same. Yes, just as it is for the other organs. कानों से सुनते हुए न सुनना। Not listening while hearing through the ears. ऐसे ही जो काम इंद्रिय है, उस काम इंद्रिय में भी ऐसी शक्ति है। Similarly, there is such power also in the sex organ. कि वो चाहे तो मन उसमें लगाए, न चाहे तो न लगाए। That if he desires, he may focus his thoughts on it, and if he does not desire, he may not. जैसे हम आंखें खुली हुई बैठे होते हैं कभी, और सामने से कोई निकल जाते हैं, आते हैं। For example, sometimes we are sitting with our eyes open, and if someone passes in front of our eyes, or comes in front of us, और हमको पता ही नहीं चलता कौन, दूसरा आदमी कहता है अरे तुम तो यहीं तो बैठे हुए थे। And we are not able to know as to who. Another person says, hey, you were sitting here itself. आंखें खोले तो बैठे हुए थे, कोई अंधे थोड़ा ही है। You were sitting with your eyes wide open. You are not blind. तुमने देख ही नहीं पाया, क्यों नहीं देख पाया? Were you not able to see? Why was one not able to see? क्योंकि मन कहीं दूसरी तरफ काम कर रहा था। It is because the mind was working in some other direction. तो ये जो मन है उसको कंट्रोल करना, मनरेव आत्मा कहा जाता है, उस मन को केंद्रित करना, ये एक प्रैक्टिस की बात है। So, to control the mind, it is said, मनरेव आत्मा, the mind itself is the soul. To concentrate the mind is a matter of practice. मन को हमने ही 84 जन्मों में चंचल किया। We ourselves made the mind inconstant in the 84 births. देह और देह के संबंधियों में और देह के सुख भोगने के कारण। In the body and bodily relationships and because of experiencing the pleasures of the body. अनेकों देहधारियों से संबंध किया, अनेकों देहधारियों में बुद्धि गई। We established relationships with many bodily beings. The intellect was diverted in many bodily beings. उनसे सुख दुख का लेन देन किया, तो मन हमारा बहुत चंचल हो गया, प्रैक्टाइज्ड हो गया। We exchanged pleasures and pains with them. So our mind became very inconstant. It became practiced. अभी आकर के बाप कहते हैं, बच्चे समझाते हैं। Now the father comes and says, children, he explains. अभी क्या करो? अभी ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, एटम बम बन चुके हैं। What should you do now? Now this is your last birth.
एटम बॉम्ब्स आर रेडी। क्या क्यों कि शंकर का जो काम है ना, क्या विनाश का? व्हाट व्हाई शंकर्स टास्क इज देयर इजंट इट? व्हाट द टास्क ऑफ डिस्ट्रक्शन। तो शंकर के नाम के साथ साथ उनकी काम की यादगार दिलाई जाती है। सो अलोंग विद द नेम ऑफ शंकर हिज टास्क इज आल्सो रिमाइंडेड ऑफ क्या? हर हर बम बम। व्हाट हर हर बम बम। जय शंकर जय शंकर। शंकर के साथ वो बम शब्द जुड़ा हुआ है। दैट वर्ड बम इज एसोसिएटेड टू शंकर। बम का मतलब है वो ज्ञान का बम भी फोड़ते हैं। बम मीन्स दैट ही एक्सप्लोर्स द बॉम्ब्स ऑफ नॉलेज एज वेल। और फिर स्थूल बम भी उनके द्वारा एक्ट में आते हैं। देन द फिजिकल बॉम्ब्स ऑल्सो कम इन टू एक्शन थ्रू हिम। ये जो आज के बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, द ग्रेट साइंटिस्ट ऑफ द प्रेजेंट डे, जिन्होंने ये एटमिक शक्ति बना के रखी है, हु हैव प्रिपेयर्ड द एटमिक एनर्जी, उनमें इतनी ताकत नहीं है, डू नॉट कंटेन सो मच पावर। वो खुद घबरा जाते हैं, अरे ये तो भयंकर विनाशकारी चीज बारूद तैयार हो गया। दे देमसेल्व्स फियर, ओ दिस इज अ वेरी डेंजरस डिस्ट्रक्टिव थिंग एक्सप्लोसिव दैट हैज गॉट प्रिपेयर्ड। उनमें शक्ति नहीं है उनको विस्फोट करने की। दे डू नॉट हैव द पावर टू एक्सप्लोड देम। लेकिन उनको किसी ने प्रेरित किया कि तुम ये बनाओ। बट दे हैव बीन इंस्पायर्ड बाय समवन, यू प्रिपेयर दिस। तो उन्होंने बना तो लिया। सो दे डिड प्रिपेयर देम। लेकिन जब तक जिसने प्रेरित किया है वो प्रेरणा नहीं देगा तब तक वो उसका विस्फोट नहीं कर सकते। बट अंटिल द वन हु हैज इंस्पायर्ड गिव्स इंस्पिरेशन दे कैन नॉट एक्सप्लोड देम। और प्रेरणा कब देगा? वो तब प्रेरणा देगा जब नई दुनिया की स्थापना का कार्य संपन्न हो जाए। एंड व्हेन वुड ही गिव द इंस्पिरेशन? ही वुड गिव द इंस्पिरेशन व्हेन द टास्क ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द न्यू वर्ल्ड इज अकम्प्लिश्ड। तो 70 साल हो गए इस ज्ञान को चलते चलते। सो इट हैज बीन 70 years सिंस दिस नॉलेज बिगैन। मैंने भगवान को इस सृष्टि पर आकर के शिव को ये ज्ञान देते देते कितना टाइम गुजर गया? 70 साल गुजर गए। इट मीन्स टू से हाउ मच टाइम हैज पास्ड सिंस गॉड केम इन दिस वर्ल्ड सिंस शिव हैज बीन गिविंग दिस नॉलेज। 70 years हैव पास्ड। कोई के इतने लंबे टाइम में कुछ भी नहीं हुआ तो अब आगे क्या होगा? समवन मे से नथिंग हैज हैपेंड इन सच अ लॉन्ग टाइम सो व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर। उसका जवाब ये है कि जितने भी धर्म पिताएं आए हैं इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट गुरु नानक वगैरह। द आंसर इज दैट ऑल द रिलीजियस फादर्स हु केम इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट गुरु नानक एक्सेट्रा। उन सब ने भी 100 वर्ष के अंदर अपनी आयु के अंदर अपना धर्म स्थापन किया। ऑल ऑफ देम हैव ऑल्सो एस्टैब्लिश्ड देयर रिलीजन विद इन अ पीरियड ऑफ 100 years विद इन देयर लाइफ टाइम। ऐसे ही उन धर्म पिताओं का बाप बापों का भी जो बाप है इस सृष्टि पर जब आता है तो वो भी 100 साल का टाइम लेता है। सिमिलरली व्हेन द फादर ऑफ दोस रिलीजियस फादर्स द फादर ऑफ फादर्स कम्स टू दिस वर्ल्ड ही ऑल्सो टेक्स 100 years टाइम। बल 70 साल गुजर चुके। ऑल्दो 70 years हैव पास्ड। उन 70 साल में ब्रह्मा का स्थापना का कार्य पूरा होता। इन दोस 70 years द टास्क ऑफ एस्टैब्लिशमेंट बाय ब्रह्मा गेट्स कम्प्लीटेड। और शंकर का विनाश का कार्य भी मानसिक स्तर पर पूरा होता है। एंड ऑल्सो द टास्क ऑफ डिस्ट्रक्शन बाय शंकर गेट्स कम्प्लीटेड एट एन इंटेलेक्चुअल लेवल। स्थापना का मतलब क्या हुआ? व्हाट डज एस्टैब्लिशमेंट मीन? जो ब्राह्मणों की वृत्ति है, क्या वृत्ति होती है? The profession of Brahmins. What is their profession? ज्ञान लेना और दूसरों को ज्ञान देना। Obtaining knowledge and giving knowledge to others. ये कर्म सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। This act is considered to be the most righteous one. ज्ञान माना जानकारी। Knowledge means information. काय की जानकारी? सच्चाई की जानकारी। Information of what? Information of truth. झूठी बातों की जानकारी नहीं।
नॉट द इंफॉर्मेशन ऑफ फॉल्स मैटर्स. झूठ दुखदाई होता है सुखदाई? झूठ दुखदाई होता है. डज फॉल्सहुड कॉज सॉरो और हैप्पीनेस? फॉल्सहुड कॉजेस सॉरो. और सत्य सुखदाई होता है. एंड ट्रूथ गिव्स हैप्पीनेस. सत्य से बनता है सतयुग और झूठ से बनता है कलयुग. ट्रूथ दैट इज सत्य लीड्स टू द गोल्डन एज दैट इज सतयुग एंड फॉल्सहुड लीड्स टू द आयरन एज दैट इज कलयुग. तो परमात्मा इस सृष्टि पर जब आते हैं तो सत्य ज्ञान सुनाते हैं. सो व्हेन द सुप्रीम सोल कम्स इन दिस वर्ल्ड ही नरेट्स द ट्रू नॉलेज. सत्य ज्ञान जिसके द्वारा सुनाते हैं उनको कहा जाता है ब्रह्मा. द वन थ्रू हुम ही नरेट्स द ट्रू नॉलेज इज कॉल्ड ब्रह्मा. अब ब्रह्मा के चार मुख या पांच मुख दिखाए जाते हैं. एंड ब्रह्मा इज शोन टू पोसेस फोर और फाइव हेड्स. माना कोई चार पांच आत्माएं हैं. इट मीन्स दैट देयर आर सम फोर टू फाइव सोल्स इस षष्टि रूपी रंगमंच पर विशेष आत्माएं जिनमें वो आकर के अपना कार्य करता है. स्पेशल सोल्स ऑन दिस वर्ल्ड लाइक स्टेज इन हुम ही कम्स एंड अकम्प्लिशेस हिज टास्क. इसलिए ब्रह्मा को पंचानन चतुरानन कहते हैं. दैट इज व्हाई ब्रह्मा इज कॉल्ड पंचानन दैट इज फाइव हेडेड चतुरानन दैट इज फोर हेडेड. कौन सी चार आत्माएं हैं? विच आर द फोर सोल्स. चार पांच आत्माएं वो कौन सी हैं? विच आर दोस फोर और फाइव सोल्स. उनका नाम शास्त्रों में बहुत बाला है. क्या? दे आर वेरी फेमस इन द स्क्रिप्चर्स. व्हाट? कोई भी नावल बनता है, कोई भी नाटक की किताब बनती है, कोई कहानी की किताब बनती है. व्हेनेवर एनी नॉवल इज रिटन, व्हेनेवर अ बुक ऑफ प्लेस और ड्रामा इज रिटन, व्हेनेवर अ स्टोरी बुक इज रिटन, तो उसमें कोई ऐसा एक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम बहुत बाला होता है. देन सम सच एक्टर इज डिपिक्टेड इन इट हु बिकम्स वेरी फेमस. उसको कहते हैं हीरो पार्टधारी. ही इज कॉल्ड द हीरो एक्टर. तो षष्टि रूपी रंगमंच के भी दो हीरो हीरोइन हैं. ऑल्सो ऑन दिस वर्ल्ड लाइक स्टेज देर आर अ हीरो एंड अ हीरोइन. एक राम और एक कृष्ण. वन इज राम एंड द अदर इज कृष्ण. राम वाली आत्मा भी 84 के चक्र में आती है और कृष्ण वाली आत्मा भी 84 के चक्र में आती है. द सोल ऑफ राम ऑल्सो पासिस थ्रू द साइकिल ऑफ 84 बर्थ्स एंड द सोल ऑफ कृष्ण ऑल्सो पासिस थ्रू द साइकिल ऑफ 84 बर्थ्स. राम वाली आत्मा में आदि से लेकर के अंत तक मुकर्रर रूप से परमात्मा से वो प्रवेश करके अपना काम करते. द सुप्रीम सोल शिव एंटर्स इन द बॉडी ऑफ द सोल ऑफ राम इन अ परमानेंट मैनर फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड एंड परफॉर्म्स हिज टास्क. और दूसरे जो ब्रह्मा दिखाए गए हैं ब्रह्मा के रूप में उनमें सदाकाल प्रवेश नहीं होता. एंड ही डज नॉट एंटर फॉरएवर इन अदर ब्रह्मास हु आर डिपिक्टेड इन द फॉर्म ऑफ ब्रह्मा. शिव आते हैं तो ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण धर्म स्थापन करते हैं. व्हेन शिव कम्स ही एस्टैब्लिशेस द ब्राह्मण रिलीजन थ्रू ब्रह्मा. जो ब्राह्मण बनते हैं वो ही सतयुग त्रेता में जाके देवता बनेंगे. ओनली दोस हु बिकम ब्राह्मिन्स गो एंड बिकम डेटीज इन द गोल्डन एज एंड सिल्वर एज. ये सबसे ऊंची जाति है, ऊंचा वर्ण है. दिस इज द हाईएस्ट कास्ट. इट इज अ हाई रेस. इसलिए भक्ति मार्ग में आज भी क्षत्रियों को बुला के भोजन नहीं कराते. दैट इज व्हाई इन द पाथ ऑफ वर्शिप इवन टुडे क्षत्रियाज आर नॉट इनवाइटेड टू हैव मील्स. वैश्यों को बुला के भोजन नहीं कराएंगे, उनकी पूजा नहीं करेंगे. वैश्यास आर नॉट इनवाइटेड टू हैव मील्स. दे आर नॉट वर्शिप्ड. ब्राह्मणों को बुलाते हैं, उनको भोजन कराते हैं. ब्राह्मिन्स आर इनवाइटेड. दे आर ऑफर्ड फूड. पांव छूते हैं, पूजा करते हैं, दक्षिणा देते हैं. देयर फीट आर टच्ड. दे आर वर्शिप्ड. दे आर गिवन दक्षिणा. दैट इज अ जेस्चर इन कैश ऑफ काइंड इन रिटर्न फॉर द रिलीजियस सर्विसेज रेंडर्ड बाय द ब्राह्मिन्स टू द हाउस होल्डर्स. है कहाँ की बात? व्हेन इज दिस मैटर अबाउट? इस समय भगवान जब इस सृष्टि पर आते हैं कलयुग के अंत में. इन द प्रेजेंट टाइम व्हेन गॉड कम्स इन दिस वर्ल्ड एट द एंड ऑफ द आयरन एज. कलयुग को झूठ युग को सच खंड बनाने के लिए. टू ट्रांसफॉर्म द एज ऑफ फॉल्सहुड इनटू अ लैंड ऑफ ट्रुथ. तो ब्राह्मण तैयार करते हैं. ही प्रिपेयर्स ब्राह्मिन्स. कैसे तैयार होते हैं? हाउ डू द ब्राह्मिन्स गेट प्रिपेयर्ड? ऐसे नहीं जैसे शास्त्रों में लिखा है कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुए. इट इज नॉट सो दैट जस्ट एज इट हैज बीन रिटन इन द स्क्रिप्चर्स दैट ब्राह्मिन्स वर बोर्न फ्रॉम द माउथ ऑफ ब्रह्मा. कोई मशीन रखी हुई थी.
दैट अ मशीन वॉज प्रेजेंट इन हिज माउथ. हुआ किया और ब्राह्मण निकल पड़े, नहीं. ही अटर्ड हुआ एंड द ब्राह्मण्स एमर्ज्ड, नो. जिस ब्रह्मा के तन में परमात्मा शिव प्रवेश करके मुख से ज्ञान सुनाते हैं, द ब्रह्मा इन हूज बॉडी द सुप्रीम सोल शिव एंटर्स एंड नरेट्स नॉलेज थ्रू द माउथ, उस ज्ञान को जो जीवन में धारण करते हैं और दूसरों को धारण कराते हैं वो ब्राह्मण कहे जाते हैं. Those who imbibe that knowledge in their life and make others imbibe it are called Brahmins. जिस ब्रह्मा के तन में परमात्मा शिव प्रवेश करके मुख से ज्ञान सुनाते हैं, The Brahma in whose body the Supreme Soul Shiv enters and narrates knowledge through the mouth, उस ज्ञान को जो जीवन में धारण करते हैं और दूसरों को धारण कराते हैं वो ब्राह्मण कहे जाते हैं. Those who imbibe that knowledge in their life and make others imbibe it are called Brahmins. तो ब्राह्मण 70 साल से तैयार हो रहे हैं. So those Brahmins are getting prepared since 70 years. लेकिन ब्राह्मण सब एक जैसे होते हैं क्या? But are all Brahmins alike? भक्ति मार्ग में ब्राह्मणों की 9 कुरियां गाई हुई हैं. In the path of worship, 9 categories of Brahmins are famous. कहते हैं 9 ऋषि हुए थे. It is said there were 9 sages. उन 9 ऋषियों से जो पैदाइश हुई, जनरेशन बढ़ी. The progeny that was born through those 9 sages, the generation that increased, वो 9 प्रकार के गोत्र वाले 9 ग्रुप हो गए ब्राह्मणों के. Constituted 9 groups of Brahmins belonging to 9 gotras, categories. वास्तव में वो कोई गोत्र अलग बात नहीं है. Actually, those gotras are not a separate matter. आज दुनिया में जो 9 धर्म फैले हुए हैं उन्हीं की बात है. इट इज अ मैटर ऑफ द 9 religions दैट आर प्रिविलेंट इन टूडेज वर्ल्ड. सतयुग में सूर्यवंश, त्रेता में चंद्रवंश, सन डायनेस्टी इन द गोल्डन एज, द मून डायनेस्टी इन द सिल्वर एज, द्वापर में इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियन, इस्लामिक पीपल, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियंस इन द कॉपर एज. कितने हुए? 5. हाउ मेनी आर दे इन टोटल? 5. उसके बाद आते हैं सन्यासी, मुस्लिम, सिख और आर्य समाज. आफ्टर दैट कम्स द सन्यासीज, द मुस्लिम्स, द सिख्स एंड द आर्य समाजी. ये 9 धर्म जो दुनिया में फैले हैं, दीज 9 religions दैट आर स्प्रेड आउट इन द वर्ल्ड, ये वास्तव में इनकी उच्च कोटि की जो जनरेशन हुई है, जहाँ से इनका फाउंडेशन पड़ा है सृष्टि में, वो 9 प्रकार के ब्राह्मण कहे गए. आर एक्चुअली द 9 types ऑफ ब्राह्मण्स ऑफ द हाईएस्ट जनरेशन फ्रॉम वेयर देयर फाउंडेशन वाज लेड इन द वर्ल्ड. उन ब्राह्मणों के 9 गोत्र हुए. देयर वर 9 गोत्रास ऑफ दोस ब्राह्मण्स. उनकी शुरुआत करने वाले कोई तो होंगे. देयर मस्ट बी समवन हु स्टार्टेड देम. जो पहले पहले देवता बने होंगे. हु मस्ट हैव बिकम डेटीज फर्स्ट ऑफ ऑल. इसलिए अपने यहाँ जो भी अनुष्ठान किया जाता है, दैट इज वाई द रिलीजियस रिचुअल्स दैट आर परफॉर्म्ड हियर, तो अनुष्ठान में 9 ग्रह बनाए जाते हैं. इन दोस रिलीजियस रिचुअल्स 9 planets आर प्रिपेयर्ड. उन 9 ग्रहों की पूजा कर पीपल वर्शिप दोस 9 planets. उनमें अष्ट देव हैं. अमंग देम द 8 deities आर इंक्लूडेड. क्या जो 8 हैं वो देव कोटि के हैं? What? The 8 belong to the class of deities. और सृष्टि के पूर्वज हैं. And are the ancestors of this world. उनमें जो 9वां जोड़ा हुआ है वो वैल्यूलेस. Among them, the 9th one who has been added is valueless. उसकी वैल्यू ना के बराबर है. किस लिए दिया गया है? दूसरों की वैल्यू को बताने के लिए. Its value is negligible. What for has it been added? To show the value of others. जैसे हिस्ट्री में कोई राजाएं होते थे. For example, there used to be kings in the history. महाराजाएं होते तो उनके दरबार में 9 रतन बहुत श्रेष्ठ माने जाते थे. There used to be maharajas in the history. In their courts, 9 gems were considered very great. ऐसे ये परमात्मा के दरबार में जितने भी 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं पार्टधारी, उनमें ये 9 विशेष आत्माएं हैं.
Similarly, among all the 5 to 7 billion human souls, actors in this court of the Supreme Soul, these 9 souls are special. जो रतन के रूप में है. Who are in the form of gems. उनमें कोई है हीरा के रूप में पार्ट बजाने वाली. Among them, some play the part in the form of diamonds. कोई माणिक के रूप में पार्ट बजाने वाली. Some play a part in the form of rubies. कोई मोती के रूप में पार्ट बजाने वाली. Some play a part in the form of pearls. ऐसे ऐसे ये 9 रतन एक दूसरे की वैल्यू को बताते हैं. Similarly, these 9 gems indicate the value of each other. जैसे जैसे इनकी वैल्यू कम वैसे वैसे वो आत्मा अपने धर्म स्थापन करने के लिए लास्ट में निमित्त बनती है. The lesser their value, the later they become instrumental in establishing their religion. सूर्यवंश की स्थापना सूर्य से होती है. The sun dynasty gets established through the sun. चंद्रवंश की स्थापना चंद्रमा से होती है. The moon dynasty gets established through the moon. इस्लाम वंश की स्थापना इब्राहिम से होती है. The Islamic dynasty gets established through Abraham. क्रिश्चियन वंश की स्थापना क्राइस्ट से. The Christian dynasty gets established through Christ. बुद्ध से बौद्ध धर्म की स्थापना. Buddha establishes Buddhism. तो ये नंबर वार आते जाते हैं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर. So they keep on coming number wise on this world like stage. और जैसे जैसे आते जाते हैं पृथ्वी का आकार चौड़ा होता जाता है. And as and when they come, the form of the earth keeps expanding. पहले जब सूर्य वंश था इस सृष्टि पर तो सिर्फ भारत में थोड़ा सा जम्बू द्वीप का स्थान था. Earlier, when there was Sun dynasty in this world, there was a small area in India in the form of a continent. दक्षिण भारत के ये समुद्र के इलाके थे ही नहीं. These coastal areas of the southern India were not present at all. फिर जैसे जैसे ये दूसरे धर्म वाले धर्म पिताएं आते गए. Then as and when other religious fathers continued to come. इन इन धर्मों की जनसंख्या बढ़ती गई. The population of these religions went on increasing. और जो सीधे साधे देवताएं थे वो इनके चक्कर में आ गए. किसके चक्कर में? And the innocent and straightforward deities got entrapped by them. In whose trap? इस्लामी बौद्ध क्रिश्चियन के चक्कर में. ये बड़े चांगड़े हैं. In the trap of Islamic people, Buddhists, Christians, they are very cunning. तो इनके चक्कर में आने से ये देवताएं जो भोले भाले थे वो सब संघ के रंग में कन्वर्ट होते चले गए. So, by getting entrapped by them, these deities who were innocent went on getting converted under the influence of their company. History में हमेशा ऐसा ही हुआ है कि देव आत्माएं ही जो हिंदू धर्म के हैं वो ही दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हुए. It has always happened in the history that only the deity souls who belong to Hinduism got converted to other religions. दूसरे धर्म वाले कभी हिंदुओं में कन्वर्ट नहीं हुए. People belonging to other religions never got converted to Hindus. तो और धर्मों की जनसंख्या देखो कितनी बढ़ गई दुनिया में. So look, the population of other religions increased so much in the world. और हिंदुओं की जनसंख्या बहुत थोड़ी रह गई. And the population of the Hindus remained very less. तो आदि सनातन देवी देवता धर्म जो भगवान स्थापन करता है सच्चा धर्म. So the आदि सनातन देवी देवता धर्म, that is the ancient deity religion, the true religion which God establishes, वो धर्म प्रायः लोप हो जाता है. That religion almost disappears. खत्म नहीं हो सकता क्योंकि भगवान ने उसकी स्थापना की है. It cannot vanish because God established it. लेकिन विरल दिखाई पड़ता है. But it is scarcely visible. अब उसी प्रायः लोप धर्म को स्थापन करने के लिए वो ज्ञान सूर्य परमात्मा को इस सृष्टि पर फिर आना पड़ता है. Now that son of knowledge, supreme soul, has to come again on this world to establish the same religion which has almost disappeared. उसके लिए बताते हैं कि देखो अनेकों के संबंध संसर्ग में प्रभाव में आते आते तुम भारतवासी अब एकदम क्या हाल तुम्हारा हुआ पड़ा है. For him it is said that, look, while coming in the relationship, contact and influence of many, you Bharatvasis, that is, residents of Bharat, have reached such a condition. जो तुम सारी दुनिया में सरताज थे. You were the crown of the entire world.
वो अब तुम दूसरे देशों के मोहताज बने हुए हो। एंड नाउ यू हैव बिकम डिपेंडेंट ऑन अदर कंट्रीज। क्या कोई भी प्लानिंग करनी होती है तो दूसरे देशों की तरफ देखते हैं। व्हाट व्हेनेवर एनी प्लानिंग इज टू बी मेड दे लुक टुवर्ड्स अदर कंट्रीज। ये हमको भीख दे दें। जैसे अभी ये सड़कें बनना शुरू हुई हैं ऑल इंडिया में। दैट दे माइट गिव अस आर्म्स जस्ट एज द रोड्स आर बीइंग लेड ऑल ओवर इंडिया। नेशनल हाईवे बन रहे हैं। नेशनल हाईवेज आर बीइंग लेड। तो इनमें ताकत नहीं है कि ये काम कर सके। सो दे डू नॉट हैव द पावर टू अकम्प्लिश दिस टास्क। तो विश्व बैंक से पैसा ले रहे हैं। सो दे आर टेकिंग मनी फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक। तो दूसरे दूसरे देश जो है उन्होंने फिर सही कर दिया, अच्छा दे दो इनको। सो द अदर कंट्रीज साइंड एंड कंसेंटेड, ओके गिव देम। तो मोहताज हुए या सरताज हुए? मोहताज है। सो आर दे डिपेंडेंट और आर दे अ क्राउन? दे आर डिपेंडेंट। आज इस मोहताज भारत को जो भिखमंगा भारत बन गया है, टुडे दिस डिपेंडेंट भारत विच हैज बिकम अ बेगर भारत, दूसरे देशों से भीख मांगता रहता है, इट कीप्स ऑन बेगिंग फ्रॉम अदर कंट्रीज। उस देश को फिर से सरताज बनाने के लिए परमात्मा शिव आते हैं। टू मेक दैट कंट्री अ क्राउन वंस अगेन सुप्रीम सोल शिव कम्स। तरीका बताते हैं, देखो अनेकों के संग के रंग से तुम्हारी क्या दुर्गति हो गई। एंड ही टेल्स द मेथड, लुक हाउ बैड हैज योर कंडीशन बिकम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द कंपनी ऑफ मेनी। अब तुम जो एक श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है, नाउ यू रिमेम्बर द वन हु इज द मोस्ट राइटियस वन, जिसको सारी दुनिया याद करती है, हुम द एंटायर वर्ल्ड रिमेम्बर्स, क्या हिंदू क्या मुसलमान क्या सिख क्या ईसाई, वेदर इट इज द हिंदूस द मुस्लिम्स द सिख्स और द क्रिश्चियंस। हिंदू उसको भगवान कहते हैं, अंग्रेज उसको गॉडफादर कहते हैं। हिंदूस कॉल हिम भगवान, इंग्लिशमैन कॉल हिम गॉडफादर, और मुसलमान उसको अल्लाह कहते हैं, एंड द मुस्लिम्स कॉल हिम अल्लाह। सब उसको याद करते हैं। एवरीवन रिमेम्बर्स हिम। उन सब धर्म पिताओं का भी वो बाप है। ही इज द फादर ऑफ दोस रिलीजियस फादर्स टू। वो ऊंचते ऊंच बाप, मैं इस सृष्टि पर आता हूँ। व्हेन आई दैट हाईएस्ट ऑन हाई फादर कम इन दिस वर्ल्ड, तो तुम भारतवासियों को आकर के उठाता हूँ पहले। आई अपलिफ्ट यू भारतवासीज रेसिडेंट्स ऑफ भारत इनिशियली, क्योंकि तुमने ही 84 जन्म लिए हैं पूरे। बिकॉज यू अलोन हैव टेकन कम्प्लीट 84 बर्थ्स। ऑल राउंड श्रेष्ठ रूपी रंगमंच पर तुमने पार्ट बजाया है। यू हैव प्लेड एन ऑल राउंड पार्ट इन दिस वर्ल्ड लाइक स्टेज। और तो बीच में आते हैं और ये पहले ही खलास हो जाएंगे। अदर्स कम इन बिटवीन एंड दे वुड पेरिश फर्स्ट। क्या आज से 500 साल पहले अमेरिका थी क्या? वॉट डिड अमेरिका एग्जिस्ट 500 ईयर्स अगो? अमेरिका का नाम निशान नहीं था। There was no name or trace of America, जो क्रिश्चियंस अमेरिका में इतने फैले हुए हैं अभी, और द क्रिश्चियंस हु आर सो वाइडस्प्रेड इन अमेरिका टुडे। ऐसे ही ये ऑस्ट्रेलिया। सिमिलर इज द केस विद ऑस्ट्रेलिया। आज से 300 साल पहले ऑस्ट्रेलिया का नाम निशान भी किसी को पता नहीं था। 300 years ago, nobody knew about the name or trace of Australia. ये सारे ही विदेशी धर्मखंड आज से 2500 साल पहले थे ही नहीं। 2500 years ago, all these foreign religious lands did not exist at all. सब समुद्र के गर्त में समाये हुए थे। All were submerged under the ocean. जैसे जैसे ये दूसरे धर्म के धर्म पिताएं आते गए, उनके फॉलोअर्स बढ़ते गए। As and when these religious fathers belonging to other religions came, their followers increased. वैसे वैसे दूसरे धर्मखंड समुद्र से ऊपर आते गए। And correspondingly, the other religious lands went on emerging from the ocean. और दुनिया की जनरेशन बढ़ती गई। And the generation of the world went on increasing. अभी दुनिया की जनरेशन इतनी जास्ती बढ़ गई है। Now the generation of the world has increased so much. कि कोई कंट्रोल करना चाहे, तो अब कंट्रोल होने का सवाल ही नहीं। That if anyone wishes to control it, there is no question of controlling it. दुनिया में बड़े-बड़े आए महापुरुष। Great men came in this world. और दुनिया की हालत उन्होंने संभालने के लिए सारी ताकत लगाई। And they invested their entire power to control the situation of the world. लेकिन दुनिया नीचे गिरती जा रही है या ऊंची उठ रही है? नीचे।
बट इज द वर्ल्ड गोइंग ऑन एक्सपीरियंसिंग डाउनफॉल और इज इट राइजिंग? नीचे गिरने का क्या मतलब? What does it mean by experiencing downfall? Someone said sinful. पतित का मतलब क्या है? What does sinful mean? कि सबके विचार नीचे गिरते जा रहे हैं. It means that everyone's level of thoughts is falling down. जो स्नेह है, सौहार्द है, सहनशीलता है, Love, harmony, tolerance, सहयोग की शक्ति है, सहयोग, वो सब घटता जा रहा है. Power of cooperation, all that is decreasing. और एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या, वैमनस्य भाव, ये बढ़ता जा रहा है. And jealousy, enmity towards one another is increasing. दुर्गुण बढ़ रहे हैं और गुण घटते चले जा रहे हैं. Vices are increasing and the virtues are decreasing. गुण होते हैं देवताओं में और दुर्गुण होते हैं राक्षसों में. Deities have virtues and demons have vices. आज सारी दुनिया राक्षस बन गई. Today the entire world has become a demon. एक भी मनुष्य मात्र ऐसा नहीं है जिसके अंदर सच्चा ही संकल्प आता हो. There is no human being who creates only true thoughts in his mind. दुष्ट संकल्प ना आता हो. Or who does not create any wicked thought. सारी दुनिया जब राक्षस बन जाती है राक्षसों के प्रभाव में आते आते. When the entire world becomes a demon by coming under the influence of the demons. भारत का देखो क्या हाल है. Look, what is the condition of Bharat? विदेशी संस्कृति को अपना करके और जैसे ऐसे कर्म कर रहे हैं व्यभिचारी कर्म. By adopting foreign culture, people are performing such adulterous actions. जिन्हें गीता में बिल्कुल मना किया हुआ है. Which have been completely prohibited in Gita. गीता में ज्ञान दिया है एक तरह का. गीता contains one kind of knowledge. और आचरण कर रहे हैं बिल्कुल उल्टा दूसरी तरीके का. And people are behaving in a completely opposite manner. तब भगवान आकर के कहते हैं बच्चे अभी मैं आया हुआ हूँ. Then God comes and says, children, now I have come. तुम अपन को देह नहीं समझो. क्या समझो? आत्मा समझो. Do not consider yourself to be a body. What should you consider? Consider yourself to be a soul. और आत्मा समझ करके मुझे आत्माओं के बाप परमात्मा शिव को ज्योति बिंदु को याद करो. And remember me, the father of the souls, the supreme soul Shiv, the point of light. उसको याद करने से क्या होगा? What would happen by remembering him? याद करेंगे तो जिसको याद करेंगे वैसे ही बन जाएंगे. If we remember, then as is the person or thing we remember, so we will become. चोर डकैतों को याद करेंगे. If we remember thieves and dacoits, तो चोरी डकैती के गुण आ जाएंगे. हम भी चोर डकैत बन जाएंगे. Then we would develop the features of theft and dacoity. We would also become thieves and dacoits. अब ऊंचते ऊंच जो पार्टधारी है परमात्मा शिव. And the highest actor, that is the supreme soul Shiv, जिसको सारी दुनिया के हर धर्म के लोग मानते हैं. Whom the people of every religion of the world believe. धर्म पिताएं भी मानते हैं. गुरु नानक भी किसकी तरफ इशारा करते थे? एक ओंकार निरंकार. The religious fathers also believe. गुरु नानक also used to point towards whom? एक ओंकार निरंकार. उसी की तरफ इशारा करते थे ना? तो वो ही ऊंचे ते ऊंचा करतार इस सृष्टि पर फिर से आया हुआ है. He used to point out towards him only. So the same highest on high enabler has come in this world again. तो पहली बात है मेरे को पहचानो. So the first thing is recognize me. क्या? इन आँखों से देख करके नहीं पहचानेंगे? What? You would not recognize by seeing through these eyes. कैसे पहचानेंगे? ज्ञान का तीसरा नेत्र खुलेगा. How would you recognize? When the third eye would open. तो त्रिनेत्री बाप ही बच्चों को तीसरे नेत्र के द्वारा अनेक जन्मों का ज्ञान देते. The three-eyed father himself gives the knowledge of many births through the third eye. तो बताया कि रोज बाबा बच्चों को समझाते हैं. So it has been said, Baba explains to the children every day. 70 साल हो गए समझाते समझाते. 70 years have passed in explaining. और अभी तक प्रैक्टिस पूरी नहीं की. क्या प्रैक्टिस? And the practice has not been completed even now. Which practice? अपन को आत्मा समझ कर बैठो और आत्माओं के बाप परमपिता परमात्मा शिव को. Sit considering yourself to be a soul. हाँ,
जिस साकार मुकरर रथ में आता हूँ उसको पहचानो. एंड रिकॉग्नाइज द फादर ऑफ सोल्स, द सुप्रीम फादर, सुप्रीम सोल शिव इन द चोजन कॉर्पोरियल चैरियट इन विच ही कम्स. और पहचान करके याद करो. एंड आफ्टर रिकॉग्नाइजिंग हिम रिमेम्बर हिम. किसको याद करो? हुम शुड यू रिमेम्बर? न सिर्फ निराकार को याद करो. डू नॉट रिमेम्बर जस्ट द इनकॉर्पोरियल. न सिर्फ साकार को याद करो. और डू नॉट रिमेम्बर जस्ट द कॉर्पोरियल, उस साकार में जो निराकार आया हुआ है, जो ऊंचते ऊंच पार्टधारी है, उसको याद करो. रिमेम्बर द इनकॉर्पोरियल वन हु हैज कम इन दैट कॉर्पोरियल वन, द वन हु इज द हाईएस्ट एक्टर. ओम शांति.